नमस्कार। आज बिहार सरकार ने अपने मीटिंग के दौरान यह फैसला किया है कि बिहार में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए और उसी के तहत बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी ने आज एक अपना ऑडियो संदेश जनता के नाम भेजा है। मुझे भी मिला, मैंने सुना है और काफी अच्छा है। एक अच्छा प्रयास है उनके द्वारा, क्योंकि जो विभिन्न राज्यों से जो खबर आ रही है कोरोना महामारी को रोकने के लिए जिस तरीके से लॉकडाउन लगा करके संक्रमण के दर को कमाया जा रहा है, जिसका ताजा तरीन उदाहरण, बातों में सच्चाई कितनी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र का नाम बार बार आ रहा है कि महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट जो है सो काफी कम हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है। इसका मतलब है कि लॉकडाउन लगाने से वहां पर फायदे हुए हैं, तो बिहार सरकार ने भी लॉकडाउन लगाया है और लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया है। और साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने जनता के नाम अपने संदेश में उन्होंने अपील किया है कि लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करें, प्रशासनिक पदाधिकारियों को आप मदद करें और उनके साथ दुर्व्यवहार न करें, मास्क लगाएं, दो गज की दूरी का मेंटेन करें। सही बातें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि ये दो गज की दूरी बहुत है जरूरी, ये संभव नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं कि आखिर पुलिस भी हमारी जो व्यवस्था है वो कितने जगह कितने लोगों के साथ कैसे वो सलटेगी, क्योंकि जब बाजार खुलता है तो इतने लोग भीड़ में आ जाते हैं, उस संक्रमण को बढ़ा रहा है। ये बात सही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से भी अपने सगे संबंधियों, इष्ट मित्र, दोस्तों सबसे अनुरोध करूंगा, अपने बिहार प्रदेश की जनता से अनुरोध करूंगा कि आप कोरोना नियम का पालन करें, जो गाइडलाइन बनाई गई है उसको पालन करें, प्रशासनिक पदाधिकारियों की मदद करें और इससे जितना हो सके बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये वायरस सीधे सीधी हमारे अंदर घुसता है और हमारी प्राण को ले लेता है। कई सारे लोगों का दुखद समाचार आ रहा है, सुनता हूं, बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन इन संवेदना की घड़ी में सिर्फ हम उन सभी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। कोरोना ने आदमी के वास्तविक चरित्र और व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी है। मैं एक छोटी सी मुख्यमंत्री जी की अपील के ऊपर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, सवाल ये नहीं है कि सरकार ने क्या व्यवस्था की या सवाल सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। मुझे ये जानकर के खुशी है कि पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन के वेंटिलेटर भी अस्पतालों में पहुंचाए गए, लेकिन एक छोटी सी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती थी कि आप रिक्त पदों को अगर समय रहते भरते और उस वेंटिलेटर को चलाने के लिए, ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए या ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए अगर इसमें पहले से अगर काम किया गया होता तो शायद हम कुछ हद तक बचा सकते थे। किसी भी राज्य सरकार के पास इस महामारी से निपटने के लिए अग्रिम तरीके से कोई योजना उनको बचाने की नहीं है, जनता को नहीं थी, तो बिहार भी इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत पिछड़ा हुआ है, या लेकिन एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो तो होनी चाहिए थी। तो सामान आपके पास सब कुछ है, व्यवस्था आपके पास सब कुछ है, आपने अस्पताल भी अच्छे बनवाए हैं, जो फोटो के मीडिया वाले ही दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखिए वही मीडिया ये भी दिखा रहे हैं कि आईसीयू यूनिट में आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखा हुआ है, वेंटिलेटर रखा हुआ है, आज तक उसके रैपर नहीं उतरे, उसको कोई चलाने वाला नहीं, सरेआम अधिकारी आपके कैमरा के सामने आकर के बोलते हैं। फिर भी मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि कोरोना के इस महामारी में आप बेहतरीन ढंग से निपटेंगे और बिहार की जनता की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि भले भूल कुछ हो जाती होगी, लेकिन मरना कौन चाहता है मुख्यमंत्री जी, उन्हें भी पता है कि हमारी सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमें बचाया जा सके, तो हो सकता है कि उनके लिए बड़ा दुखदायी होगा। इसलिए मैं यह आपको कहना चाहूंगा कि थोड़ा व्यवस्था को और दुरुस्त करने की जरूरत है, अधिकारियों को सख्त निर्देश देने की जरूरत है, अस्पतालों को सख्त निर्देश देने की जरूरत है, इसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी थोड़ा सा दौरा वौरा करना चाहिए, थोड़ा सा लोगों में डर हो ताकि वो जनता की सेवा कर सके। आफ्टर ऑल आप इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, मैं समझता हूं कि आप खुद समझदार हैं, आप जरूर करेंगे। हाँ मित्रों, तो मैं आज का जो हमारा टॉपिक था कि दबंगता, जमींदारी और गांव के गरीब,
इस पे मैं कुछ बात करना चाहता था। मन बहुत व्याकुल हो जाता है कि जब मैं गांव जाता हूं, जब मैं वहां के लोगों को देखता हूं, जब मैं बच्चा था, जब मैं देखता था कि किस तरह से गांव में दबंगई चलती है, क्यों कैसे गरीबों को सताया जाता है, चाहे वो किसी वर्ग का जमींदार हो, वो जमींदार भूमिहार हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, राजपूत हो सकता है, कुशवाहा हो सकता है, किसी भी जाति का जो जमीन जोतता है वो जमींदार है। ऐसा ये था, बड़े बड़े जमीन जोतने वाले दबंगता तो गांव में आज भी है, लेकिन पहले कुछ ज्यादा हुआ करता था। उसी संदर्भ में एक सच्ची और वास्तविक घटना का मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि एक गांव के अंदर एक अति पिछड़ा समाज से, शायद धोबी जो होता है वो शायद अति पिछड़ा समाज से वो लोग आते हैं, उनका कुछ जमीन गांव के बीचों बीच पड़ता था और संजोग से उनके जमीन के बगल में वहां के एक दबंग जमींदार का भी घर पड़ता था। और वहां पे घटना कुछ ऐसी हुई कि झमेला 1.5-2 बीघा या 3 बीघा जमीन की बात थी। और मैं ये जो कहानी कह रहा हूं ये बड़ी सच्ची कहानी है। और गांव के लोग कैसे न्याय करते हैं, यही जो गांव में ग्राम कचहरी आजकल बनी हुई है, उस समय ग्राम कचहरी नहीं हुआ था, सरपंच हुआ करते थे जो न्यायिक प्रक्रिया को देखते थे। गांव में एक आज भी प्रचलित है कि पंचायत बुला लो गांव, जिसमें गांव के 10-20 लोग बैठ करके पंचायत करते हैं। वो पंचायत कैसा होता था, तो वो सरपंच साहब का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उस जमीन पे वो अपना अधिकार जताते थे। वो गांव के सरपंच थे और वो अपना अधिकार जताते थे कि ये जो रजक जी का जो जमीन है, ये 1.5-2 बीघा जो जमीन है या 3 बीघा जो जमीन है, वो हमारा जमीन है। जबकि रजक जी ने वो जमीन को किसी जमींदार से, मुजफ्फरपुर के जमींदार से उन्होंने लिखवाया हुआ था वो जमीन। वो जोत आबाद में थी उनकी, करीब करीब उस जमीन पर उनका 25-30 साल से पोजीशन भी था, वो जमीन जोतते थे। लेकिन उनके बगल में जो एक सज्जन थे जो उच्च जाति से आते थे, जहां कभी कभी जब सामंतवादी व्यवस्था की बात होती है तो हम लोग बड़ा तिलमिला जाते हैं कि ये सामंतवादी हमको क्यों कहते हैं, तो वो व्यक्ति जो उन रजक जी के जमीन के बगल में जिसका मकान था वो जमीन लेना चाहता था। और नतीजा ये हुआ कि और वो रजक जी को बराबर उनके बीच में झगड़ा होता था, इसलिए वो बेचारे इतने नारुष्ट रहते थे रजक जी, जो उनको जमीन देना नहीं चाहते थे। काफी लड़ाई हुई, हर तरह से हथकंडे अपनाए गए, लेकिन किसी भी तरीके से वो जो रजक जी जो थे वो जमीन उस व्यक्ति को, जो जमींदार सो कॉल दबंग, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जो मेरे से संबंधित है वो तो समझ ही जाएंगे, जो मुझे जानते हैं, वो नहीं देना चाहता था और वो किसी तरीके से लेना चाहते थे। तो उनके बगल के उनके जो पड़ोसी थे वो भी लेना चाहते थे उस जमीन को, कि भाई हम भी ले लेते हैं। उनको वो रजक जी देना चाहते थे लेकिन उनके पड़ोसी को नहीं देना चाहते थे। दोनों आपस में वो पटेदार फरीक जो आप कहते हैं उस तरह की बात है। तो फिर गांव के लोगों ने बीच विचार किया और पंचायत के, और आप आश्चर्य ये होगा कि वो सरपंच जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने इस डिस्प्यूट को बढ़ाया, इस डिस्प्यूट को, इस झंझट को बढ़ाया और उस दबंग व्यक्ति को जो रजत जी का जमीन लेना चाहता था उसको रजिस्ट्री कर दिया। और उन्होंने रजिस्ट्री करा लिया, जो जमीन ऑलरेडी किसी के नाम में रजिस्टर्ड है, खाता खुला हुआ है, खतियान बना हुआ है, उसके नाम से रसीद कट रहा है, उस जमीन को गांव का एक सरपंच उस व्यक्ति को लिख देता है कि यह हमारी जमीन है, ठीक है। और उस रजक जी के जमीन लेने से पहले कभी भी वो जमीन पे नहीं गया, कभी भी उस पर कोई झंझट नहीं था, लेकिन चूंकि रजक जी ने लिया तो अब उसको झंझट को देने के लिए, और जिस व्यक्ति ने लिखवाया वो वही दबंग व्यक्ति था जो चाहता था उस जमीन को लेना। और दोनों में डील ये हुई कि भाई इस जमीन पर अगर हमने कब्जा कर लिया तो आपको 14 बीघा का फैसला फायदा हो जाएगा, क्योंकि इस खेसरा में 14 बीघा जमीन है, फिर आप बेच बेच करके नोट भजाते रहिएगा। नतीजा यह हुआ कि जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद मैंने न्यायपालिका और न्यायाधीश और न्यायालय पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जमीन लिखा लिया। जमीन लिखाने के बाद उस रजक फैमिली का
सारा फसल लूट लिया, पूरा गांव पूरा समाज देखता रहा, सारा फसल लूट लिया, उसको घर में ला करके दरवाजे पे ला करके वो सीमेंटेड पिलर में बांध दिया, बांध देने के बाद सारा फसल काट लिया, उठा लिया, जबरदस्ती जोत लिया और आज 30 साल से 35 साल से उस जमीन में, ये 76-77 की बात मैं बता रहा हूं, शायद ज्यादा ही हो गया, 40-45 साल की बात हो गई, और गांव का एक भी व्यक्ति इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, और आवाज नहीं उठाया वो रजक जी बेचारे उम्र के साथ साथ मर गए। आज उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, उनका बेटा पोता कौन होगा मुझे नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़ा कलंक समाज के सब भ्रांतों के ऊपर है, जिन्होंने अपनी दबंगता से एक परिवार के गरीब परिवार को कुचल दिया, उसको खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद उस जमीन पे वो आज 40 साल से अनाधिकार कब्जा करके बैठा हुआ है। मैं जब गांव गया था इस बार तो मुझे पता तो था लेकिन मैं सोचता था कि इसमें रजक जी की मदद की जाए, और मैंने उसको संवाद भी भिजवाया था कि भाई ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा, हो सकता है क्या इसके लिए मैं गांव में मैं अपनी दुश्मनी को बढ़ा लूं, लेकिन मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। और मैं आज कृत संकल्प हूं और इस बात का रहस्य उद्घाटन इसलिए कर रहा हूं कि जब मानवता की बात होती है ना, जब समाज की बात होती है, जब इंसानियत की बात होती है, जब अमीर और गरीब की बात होती है, जब हमारे ऊपर छींटे पड़ते हैं कि हम सामंतवादी हैं और जमींदार हैं, क्यों हमें समाज में अलग थलग रख करके, जिस समाज का इतना कंट्रीब्यूशन दूसरे समाज के लिए है, वो समाज आज राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार में अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ है। क्या इसका कारण यही है कि गांव के संभ्रांत जमींदार और पढ़े लिखे लोगों ने एक डेढ़ दो बीघा जमीन के लिए इतनी बड़ी खाई पैदा की कि उसके चारों ओर के जितने लोग थे जो अदर देन फॉरवर्ड कास्ट थे वो सब उसके विरोधी हो गए, और नतीजा ये हो गया कि गांव में एक अविश्वास का माहौल हो गया। और मैं समझता हूं कि बिहार के प्राय सभी गांव में इसी तरीके का माहौल है, इसलिए शायद हमें लगता है कि इस चीज को ठीक करना चाहिए, हमारी राजनीति होती रहेगी लेकिन उस फैमिली को मदद करनी चाहिए। और मैं भरपूर कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों के सामने मैं इस चीज को कमिट कर रहा हूं कि मैं कोशिश भी करूंगा और उस व्यक्ति का जमीन वापस भी दिलवाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरा चाहे जो भी हो जाए मुझे वो मंजूर है। न्यायपालिका, हम क्या करते हैं, हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, कोई बात हो मुकदमा कर दो, मुकदमा की शुरुआत फौजदारी मुकदमा की शुरुआत थानेदार से होती है, और वो क्या रिपोर्ट उपोर्ट करते करते जज साहब वो मजिस्ट्रेट साहब के पास जाता है, जहां जिसका पैसा है पैरवी है उस हिसाब से उसके लिए फैसले हो जाते हैं, 100 में 2-4 फैसले ऐसे होते हैं जो जज साहब अपने दिमाग से करते हैं, नहीं तो बाकी फैसलों में कोर्ट के स्टाफ का या सिस्टम का या अधिकारी पदाधिकारियों के पैरवी भी काम करते हैं, तो उसमें गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं व्यथित होकर के आज कुछ लिख दिया, न्यायालय न्यायपालिका और न्यायाधीश तीनों हमारे समाज के बहुत बड़े स्तंभ हैं। हम समझते हैं कि इन तीनों के ऊपर आदमी का विश्वास अब टूटता जा रहा है, और अगर ये विश्वास टूटेगा तो शायद मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए होगी। इसलिए मैं किसी फैसले पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मेरे पास इतने सारे मुद्दे हैं, अगर मैं हर एक रोज एक बार 10 मिनट के लिए आपके पास आऊं तो मैं हर रोज एक कहानी आपको सुनाऊंगा। यहां तक कल हम बात करेंगे गुलाम नबी आजाद के ऊपर, जिनकी राज्यसभा से विदाई भावभीनी विदाई हुई, प्रधानमंत्री जी भी रो दिए और गुलाम नबी आजाद साहब भी रो दिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन आपको याद होगा वो एक बार जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बने थे, और जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस दौरान मैं उनके राज्य में काम कर रहा था, उसकी कहानी लेकर के मैं कल आऊंगा। आज टास्क फोर्स के वो सोनिया गांधी के द्वारा वो टास्क फोर्स के क्या हेड बनाए गए हैं, पता नहीं ये कौन सा फोर्स अब चलाएंगे, क्या करेंगे कोरोना से निपटने के लिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन घोषणा हुई है। और चूंकि उनका नाम कल आ गया, मैं बहुत दिन से उनकी बातों को दफन करके बैठा हूं बहुत दिन से, और ये बात इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए, मैं जब ये बोलता हूं मुझे किसी चीज का डर नहीं, किसी से कोई डर नहीं,
न्यायालय की अवमानना होती है तो हो जाने दो, लेकिन मैं सच्चाई जरूर बोलूंगा कि सिस्टम को कैसे इन लोगों ने खत्म किया है, किस तरीके से इन्होंने खराब किया है। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की बात को खत्म करता हूं और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि फिर जब मैं कल एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा आप मुझे सुनिएगा। आप लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, लेकिन मैं सच्चाई को बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं सच्चाई को बोलूंगा। अगर गलती किसी के तरफ से हुई है तो उसे सर झुका करके माफी मांगनी चाहिए, चाहे वो समाज का कोई भी व्यक्ति हो। और अगर कहीं से इतिहास में गरीबों के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने के लिए मैं कृत संकल्प हूं। धन्यवाद।